मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर सोमवार को 17 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से 21,000 श्रमिकों को लेकर गोरखपुर स्टेशन पहुंचे। इस दौरान सभी श्रमिकों को ट्रेन से उतरवाने के बाद 1 मीटर की दूरी के घेरे में खड़ा करके बारी बारी से उनकी थर्मल स्कैनिंग की गई और उनका नाम पता नोट किया गया था। उनके बाद उनको फल, बिस्किट, लंच पैकेट का पानी आदि देने के बाद उनको उनके जिले के बसों में बैठाकर उनके गंतव्य को रवाना किया गया। बसों में सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए एक बस में 25 से 30 यात्रियों को बैठाकर रवाना किया गया और एक ट्रेन आने के बाद दूसरी ट्रेन के आने से पहले बसों को सैनिटाइज भी किया गया। इस संबंध में एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि श्रमिकों के जांच के लिए 13 काउंटर बनाए गए हैं। उस काउंटर पर उनका पूरा डिटेल नोट किया गया है, उसके बाद उनके जिलों की बसों में बैठाकर रवाना किया जा रहा है। मजदूरों को उनके जिलों में भेजने के लिए 300 परिवहन निगम की बसों को लगाया गया है। सभी मजदूरों का थर्मल स्कैनिंग कराने के बाद लंच पैकेट, बिस्किट, फल और पानी दिया जा रहा है। उसके बाद सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए एक बस में 25 से 30 श्रमिकों को बैठाया जा रहा है। स्टेशन पर यूपी के कई मंडलों के यात्री आ रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए श्रमिक इब्राहिम शेख, विमला देवी, दिनेश विश्वकर्मा, रहमान अंसारी एवं सीओ गोरखनाथ प्रवीण सिंह और एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा। देखिए हैदराबाद पति के लिए
से आज मऊ गाजीपुर बस संख्या के गोंडा बाराई बस संख्या बाई सिद्धार्थनगर जाने वाले 19 नंबर में बैठेंगे, ये दाहिने तरफ की है। अब आजमगढ़ जौनपुर जाने वाले 29 में बैठेगा, आजमगढ़ जौनपुर जाने वाले 29 में बैठेंगे, गाजीपुर जाने वाले 34 में बैठेंगे, इसमें बैठेंगे लखनऊ हरदोई लखीमपुर 33 में बैठेंगे, सीतापुर शाहजहांपुर बरेली रामपुर खगड़िया 30 में बैठेंगे, कानपुर हमीरपुर कानपुर देहात के आवाम को बजाय इब्राहिम शेख। कहाँ जाएंगे? जमपुर जिला मछली शहर। रास्ते में आने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। खाने पीने में? खाने पीने में मिला। सरकार के द्वारा आपको घर पहुंचाया जा रहा है, योगी सरकार के द्वारा? हाँ। कुछ कहना चाहेंगे सरकार के बारे में? सरकार बहुत अच्छा काम की जो हम लोग को घर तक को छोड़ रही है, बाकी फैसिलिटी के साथ आए, कोई दिक्कत नहीं। विमला देवी। कहाँ जाएंगे? मछली शहर जौनपुर। घर पहुँचाया जा रहा है योगी सरकार के द्वारा, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ भैया, घर पहुँचाया जा रहा है, मतलब योगी द्वारा, मतलब ठीक से जा रहे हैं, ठीक है, सब कुछ ठीक है। मैं दिनेश विश्वकर्मा बोल रहा हूँ। कहाँ जाएंगे आप? पीपीगंज। टिकट का पैसा लगा? नहीं। सरकार के द्वारा घर पहुँचाया जा रहा है, कुछ कहना चाहोगे? सरकार बहुत अच्छा काम किया है प्रवासी मजदूरों के लिए। हमारा नाम है मतीउर रहमान अंसारी। बलवाने जाएंगे गगा के बीच में। रास्ते में टिकट का पैसा लगा आपको? नहीं लगा, एक भी रुपया नहीं लगा। ये उत्तर प्रदेश शासन, भारत सरकार एवं यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा आप देख रहे हैं, जो भी श्रमिक स्पेशल ट्रेन हमारे जिले के श्रमिकों को लेकर, हमारे जिले के नागरिकों को लेकर लगातार वापस आ रही है, उसके लिए गोरखपुर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग सभी संबंधित विभागों के साथ लगातार समन्वय बैठा के 24 घंटे यहाँ उनके लिए लगा हुआ है। जो लोग आ रहे हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए उन्हें क्रमशः उतारा जा रहा है। उतारने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जिसमें उनकी प्राथमिक जानकारी नोट की जा रही है एवं उनको भोजन, फल और पानी की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की गई है। उसको ग्रहण करने के उपरांत यहाँ पर रोडवेज के द्वारा आप देख सकते हैं कि तमाम मतलब बसें हर जनपद के लिए लगी हैं। कोई भी एक व्यक्ति जिस भी जनपद को जाना चाहता है उसे उस जनपद अपने गंतव्य तक भेजने के लिए समुचित व्यवस्था यहाँ की गई है। तो सारी चीज़ें बहुत ही वेल प्लान्ड और कोऑर्डिनेशन से चल रही हैं और ये कल से प्लेटफॉर्म नंबर 9 शुरू हुआ है और आज तक हम कम से कम यहाँ 10,000 लोगों को उतार चुके हैं। अभी ये संख्या और धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। कोविड-19 के लिए तो तमाम अपील है, बस यही है कि लोग मतलब लॉकडाउन का पालन करें, ये कठिन समय है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें एवं एक दूसरे की मदद के लिए आगे हैं, बस यही 3 मूल मंत्र है कोविड-19 का। गोरखपुर में रेलवे स्टेशन पे ये ट्रेन आई है और यहाँ पर सभी ट्रेन कंपार्टमेंट में 50-52 के हिसाब से बिठाकर सोशल डिस्टेंस के हिसाब से यात्रियों को लाया जा रहा है। स्टेशन पर भी गोले बनाकर उनमें खड़ा करके सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से ये स्कैनिंग करते हुए उनके रिकॉर्ड, नाम, पिता का नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि लिखा जा रहा है। रजिस्ट्रेशन के बाद लोग सभी यात्रियों को फूड पैकेट और पानी और बच्चों को बिस्किट्स वगैरह भी दिए जा रहे हैं। इसके बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए बसों में 25-30 के एवरेज से बैठाकर लोगों को उनके डिस्ट्रिक्ट जनपदों तक पहुंचाया जा रहा है। सर, ये आपके कहां कहां के यात्री स्टेशन पे आ रहे हैं?
यहाँ पर कई जनपदों के जैसे गोरखपुर मंडल है, बस्ती मंडल है, आजमगढ़ मंडल है, इसके अलावा भी मेरठ मंडल है और सहारनपुर मंडल है, ऐसे मिर्ज़ापुर मंडल है, बनारस मंडल है, वहाँ के भी यात्री आते हैं और उनको भी बसों में भिजवाया जा रहा है। सर कितनी ट्रेनें आज आनी हैं? आज 17 ट्रेनें आनी हैं। सर क्या कितने बसें लगाएंगे इन लोगों के लिए? यहाँ पर लगभग 225 बसें अभी रिजर्व में हैं, 60 बसें यहाँ स्टेशन पर लगी हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर, अलग अलग कैपेसिटी में 40-50 के कैपेसिटी लगी है। इसके अलावा 225 बसें रिजर्व में हैं और भेजा जा रहा है बसों के माध्यम से भेजा जा रहा है। सर कितने जांच काउंटर बनाए? 13 जांच काउंटर काम कर रहे हैं, यहाँ स्कैनर भी हैं और रजिस्ट्रेशन के सहायक भी हैं।